भी है और ये बात तो तय है कि इस वक्त मार्केट काफी थीम स्पेसिफिक हो चुका है। ऑटो सेक्टर ने पिछले 2-3 हफ्तों में जो आउट परफॉर्मेंस या कह सकते जो एक स्टेलर गेन्स दिखाए हैं, क्या ये गेन्स आगे भी सस्टेन होते दिखेंगे? और ऑटो के साथ ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी पर भी आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? मुझे लगता है क्योंकि चार्ट्स काफी अच्छे हैं, अगर आप डेली वीकली या मंथली चार्ट्स को देखें और मूवमेंट देखिए, आप बजाज ऑटो देखिए, 1.5 साल से वो स्टॉक एक रेंज में सो रहा था, सडनली वो जाग गया है और इतनी अच्छी मूवमेंट आई है बजाज ऑटो में। टाटा मोटर्स, हम इसे ईवी थीम का प्रॉक्सी मानते हैं, 1.5 साल से ये अंडर परफॉर्म किया और पिछले 3 महीने में जिस तरह की मूवमेंट है, आई थिंक इसमें भी चार्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं। एम&एम और मारुति तो अच्छा लगता ही है, मारुति मुझे लगता है कि अब 5 फिगर्स और उसके बियॉन्ड अच्छा से चला जाएगा। सो ऑटो एक बड़ी थीम लग रही है और चार्ट्स अच्छे हो गए हैं। हमारा मीडियम टर्म टारगेट ऑटो इंडेक्स का है 15,000 और 16,500, और जो मैंने 3-4 नाम बताए हैं उसमें कभी भी कुछ भी डिप आता है तो उसमें बने रहिए। अगेन इसमें भी आप अशोक लेलैंड या हीरो मोटो की तरफ मत जाइए, वहां पर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, पर जो बाकी के 3-4 नाम मैंने कहा वहां पर अच्छी तेजी लगती है। ठीक है गौतम, अभी आपने ज़्यादातर अच्छे शेयर्स के बारे में चर्चा की है, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको लग रहा है फटीक आ चुकी है, थोड़ी थकावट होगी और शेयर थोड़े क्रैक दिखाएंगे, जो थोड़े थक गए हैं? देखिए एक तो है मेटल्स, मुझे लगता है कि मेटल्स अंडर परफॉर्म करेगा, इट हैज नॉट बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन द रीसेंट मार्केट रैली। आप टाटा स्टील को देख लीजिए, इतनी बड़ी तेजी आई, टाटा स्टील अभी भी खड़ा है 105 107 के आसपास, और बाकी के मेटल स्टॉक्स में भी इतनी कोई बड़ी तेजी हुई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। पिछले 1-1.5 साल में इसमें अच्छी तेजी थी तो यहाँ पर कमिटमेंट बनाइए, आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट होना नहीं है। कैपिटल गुड्स हमारा 5 साल का थीम है, उस सेक्टर ने काफी अच्छा किया, L&T, सीमेंस, ABB, कमिंस इंडिया, थोड़ी बहुत टाइम करेक्शन हो सकती है, तो अगर वो करेक्शन आता है तो उसमें और लीजिए लॉन्गर टर्म के हिसाब से, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये फेटीग इसमें चार्ट्स में दिख रहा है तो इमीडिएट तेजी नहीं आई।